तो हेलो गाइस, वेलकम है आप ही लोग का यूट्यूब चैनल नीरज मूवी हब के यूट्यूब चैनल पे। तो सो गाइस, मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ रेनफील्ड, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी है। और इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पे प्रीमियर किया गया है, जो कि मैंने कुछ देर पहले इस मूवी को देखकर फिनिश किया हूँ। क्या आप लोग को भी यह मूवी देखनी चाहिए? चलिए इस वीडियो में फाइंड आउट करते हैं। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बहुत ही बेकार गया है। 65 मिलियन इस मूवी को इन्वेस्टमेंट लगा है, लेकिन 24 मिलियन ही रिटर्न हुआ है और 45 मिलियन का लॉस हुआ है। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए स्टोरी लाइन की ओर बढ़ते हैं। कहानी फॉलो करती है रेनफील्ड के कैरेक्टर के अराउंड, जिसका मास्टर एक ड्रैकुला है जो इंसानों लोगों का खून पीता है और सभी को मार डालता है। तो क्या रेनफील्ड अपने मास्टर से इंसान लोगों को बचा पाएगा या नहीं, इसके लिए आप मूवी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इस मूवी का जॉनर है एक्शन कॉमेडी हॉरर। इस मूवी में कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, पूरा फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। कोई भी 18+ सीन नहीं है। इस मूवी का मैं 2 नेगेटिव पॉइंट साथ ही साथ 3 पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात किया जाए तो इस मूवी का स्टोरी बहुत ही सिंपल अनप्रिडिक्टेबल है। आप शुरू से ही पता लगा पाओगे कि इस मूवी का क्लाइमेक्स क्या होने वाला है। साथ ही साथ इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे को वीक लगा। आप किसी भी कैरेक्टर से उतना खास इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे। जहां तक इस मूवी का पॉजिटिव पॉइंट, तो इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी मेरे को पसंद आया। जो भी ड्रैकुला को दिखाया गया एकदम आपको रियलिस्टिक लगने वाला है। और साथ ही साथ स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट है। मैं बहुत ही ज्यादा इस मूवी को एंजॉय किया हूँ। 1 घंटा 40 मिनट इस मूवी को देखने में लेगा, लेकिन एक सिंगल सीन्स भी बोरिंग नहीं लेगा। पूरा एंटरटेनमेंट के साथ मैं खुद इस मूवी को एंजॉय किया हूँ। एक सीन भी आपको बोरिंग नहीं करता है। साथ ही साथ इस मूवी में बहुत ही बड़े एक्टर काम किए हैं। निकोलस केज, निकोलस हंट, एक्वाफिना, सभी का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा रहा है। खास करके गाइस, निकोलस हंट से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। मेरे को उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। और साथ ही साथ निकोलस केज, जो कि बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस एक्टर है, उनसे भी आप इन्वेस्ट और इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे। अगर इस मूवी को 1 वर्ड में रिव्यू करूं तो ये मेरे को यह मूवी एक एवरेज लगी है, बट मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया हूं इस मूवी को। जहां तक इस मूवी का रेटिंग की बात, तो मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 7.5 out of 10, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया हूं। अगर आप भी ड्रैकुला वाला मूवी देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी में कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, तो ऐसा मूवी बार बार नहीं आता है, तो ट्राई कीजिए। अमेजोन प्राइम पे यह मूवी मिल जाएगा, तो जाकर अभी यह मूवी देख डालिए, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा यह मूवी देखकर एंजॉय किया हूं। इतना समय इस वीडियो को देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।